नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली न्यूज नेशन में। सुबह के 5 बज गए हैं और सुबह के 5 बजते ही बड़ी खबर सामने निकल कर आई, जिसको अखबार के पन्नों पर जगह दी जा रही है। जी हाँ, अभी हम आपको वो भी खबरें दिखाएंगे जिनको अखबार के पन्नों पर जगह दी गई है, क्योंकि इतने सुबह आपके घर में अखबार तो नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो खबर जिनको अखबार के पन्नों पर जगह दी गई है। लेकिन हाँ, आपने जो थंबनेल देखा है जिसमें बॉलीवुड में ड्रग्स माफियाओं को, बॉलीवुड में परिवारवाद को आज भोजपुरी इंडस्ट्री ने झटका दिया है। जी हाँ, रवि किशन सांसद और अभिनेता दोनों हैं, और निरहुआ अम्रपाली दुबे और भी कई लोग हैं जिन्होंने जया बच्चन पर निशाना साधा है। वो जया बच्चन जिन्होंने संसद में कहा था कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, तो जया बच्चन ने क्या समझकर कहा है। फेसबुक पे एक पोस्ट चल रही है, वो मैं आपको बता दूं, जिसमें लोगों ने कहा है, और उस फोटो में रवि किशन की पिक्चर के साथ एडिटिंग की गई है, जिसमें साफ साफ लिखा है, जिस थाली में ड्रग और गांजा हो, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, जिस थाली में ड्रग्स और गांजा हो उस थाली में छेद करना ही सही है। जी हाँ, जिस थाली में ड्रग्स और गांजा हो उस थाली को छेद करना ही उचित है, ऐसा चल रहा है फेसबुक पे। पूरी खबर दिखाऊंगा, बस आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। रवि किशन के सपोर्ट में निरहुआ का ट्वीट वायरल हुआ, देखिए देखिए आपकी स्क्रीन पे ट्वीट दिख रहा है, अम्रपाली ने साधा जया बच्चन पर निशाना, आपके स्क्रीन पे ट्वीट है, निरहुआ ने किया। गोरखपुर के माननीय सांसद बड़े भैया रवि किशन जी के, जो भी रवि किशन जी ने बोला है कुछ गलत नहीं बोला। कुछ लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, @RaviKishan #IStandWithRaviKishan #DrugMafiaOfBollywood। जी हाँ, यहां पर उन्होंने ट्रेंडिंग भी कर दिया हैशटैग को। तो वहीं अम्रपाली ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए कहा, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं कर रहे हैं, उस थाली को साफ रखना चाहते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी भी स्वच्छ थाली में खा सके। जया बच्चन ने यह बयान भरे संसद में दिया था कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, लेकिन जिस थाली में ड्रग्स हो गांजा हो उस थाली में छेद करना ही उचित है। चलिए बता दूं आपको, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में निकले बॉलीवुड ड्रग्स एंगल को लेकर चल रहे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी की सांसद और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन ने मंगलवार को उन अभिनेताओं को फटकार लगाई जिन्होंने इस इंडस्ट्री को गटर कहा है। गोरखपुर में भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन का नाम लिए बिना जया बच्चन ने उनके लिए कहा, मैं वास्तव में शर्मिंदा हूँ कि एक लोकसभा सांसद ने फिल्म उद्योग के खिलाफ बात की है, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। रवि किशन के सपोर्ट में उतरे निरहुआ और अम्रपाली। इसके बाद अब भोजपुरी फिल्म जगत में सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और मशहूर भोजपुरी एक्ट्रेस अम्रपाली दुबे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रवि किशन को सपोर्ट किया है। निरहुआ ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है, गोरखपुर के माननीय सांसद बड़े भैया रवि किशन जी ने कुछ गलत नहीं बोला है, कुछ लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। जी हाँ, तो वहीं अम्रपाली ने भी नहीं छोड़ा है जया बच्चन को। चलिए, ये थी आज की बड़ी खबर जिसको अखबार के पन्नों पर जगह दी गई, लेकिन हम आपको वो खबरें अब विस्तार से बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। भारत के दोस्त के लिए महासंकट बना चीन के कर्ज का पहाड़, बना सकता है गुलाम। वहीं पर एक और बड़ी खबर जिसको अखबार के पन्नों पर जगह दी जा रही है, हीरो के साथ सोने के बाद 2 मिनट के रोल देती है इंडस्ट्री, कंगना रनौत।
महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का अत्याचार, बीजेपी के इस एक्शन से बड़ी ठाकरे की मुश्किलें। लॉकडाउन में भुखमरी की कगार पर आई सेक्स वर्कर्स, शुरू किए हैं कई बड़े काम। जब देर रात आप सो रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में पुराना वाला खेल दिखा दिया। भारत ने लगाया निर्यात पर प्रतिबंध, तो प्याज के आंसू रोने लगा नेपाल। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने की पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी। एफएम हुसैन ने क्या सोचकर हिंदू देवी देवताओं की नग्न फोटो पेंट किया। रवि किशन के सपोर्ट में आ गया पूरा का पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री। ड्रग्स केस में होगा कोई बड़ा खुलासा, एनसीबी की मुंबई में ताबड़तोड़ रेड। राजपूत नहीं थे सुशांत, आरजेडी विधायक ने विवादित बयान पर बिहार में मचाया बवाल। चीन संग यारी पड़ी भारी, ड्रैगन ने कर्ज जाल में फंसा और पड़ोसी देश। मुंबई इंडियंस के लिए किस बैटिंग ऑर्डर पर उतरेंगे रोहित, जानिए जवाब। बंगाल में मानवाधिकारों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं कर सकता है धनखड़। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद अशोक गास्ती का निधन। देश में अब तक आ सकती है कोरोना की वैक्सीन, हर्षवर्धन ने सांसद में बताया। यहां अंतिम संस्कार के लिए करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। एक्सपर्ट की जुबानी जाने ट्रंप की वो 5 कमियां जो बिडेन को जिताने में हो सकती है मददगार। कोरोना वायरस वैक्सीन, भारत में कब तक आएगा कोरोना का टीका, स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में दिया बयान। पाक की फायरिंग में शहीद हुए नायक अनीस थॉमस का पार्थिव शरीर त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पहुंचा तो आंखें हुई नम। छत्तीसगढ़ कोरोना काल के बीच ब्लैक बोर्ड पर बाइक पर बांध कर घूम रहा है टीचर, बच्चों के घर तक पहुंचाया स्कूल। आईआईएस में प्रवेश के लिए कैट के समय में बदलाव, 23 तक करा सकते हैं पंजीकरण। दुनिया को पसंद पीएम मोदी का बिंदास, सभी भारतीयों के चहेते। 70 साल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जानिए बतौर पीएम और उनके 10 अहम फैसले। जी हाँ, जैसा कि कल नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था, यानी कि नरेंद्र मोदी 70 साल के हो गए और आज वो 71वें साल के पहले दिन में कदम भी रख चुके हैं। उनका कार्यकाल कैसा रहा, उन्होंने कैसे कैसे काम किए, शायद देश की जनता जानती होगी, मुझे बताना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी देश के टुकड़े टुकड़े आ जाते हैं सवाल पूछे। मुझे शर्म आती है ये बात बताने में कि आज भी लोग उस सरकारी नौकरी की चाटुकारता कर रहे हैं, उस सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने पूरे भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। रोजगार सरकारी ही नहीं होता साहब, सरकारी नौकरी करना ही रोजगार नहीं होता, प्राइवेट भी रोजगार होता है। आज हमने ओनली न्यूज़ नेशन पे एक वीडियो बनाई, देखिएगा आप बहुत कुछ समझेंगे। जी हाँ, वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।